हेलो गाइस कैसे हैं आप मैं हूं आमिर और आ गया हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने व्हाट्सअप मैसेजेस को शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूल कैसे करेंगे क्या रहेगा प्रोसेस उसके लिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट किया था जिसका नाम था स्केडिट अब रिसेंटली काफ़ी सारे यूजर्स का कॉमेंट आ रहा है मेरे पास कि स्केडिट उनका सही से काम नहीं कर रहा है जब उसको इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद होता क्या जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन टाइम पर यह दिक्कत आती है कि उनका सर्वर आता है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो नहीं पा रही है तो कुछ यूजर्स ने ये भी पे डाला हुआ है कि ये एप्लीकेशन बैन हो गया है सबसे पहले मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर एप्लीकेशन बैन नहीं हुआ है आप जाके लिस्ट उठा के देखे जो फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन बैन किए गए हैं इंडिया में उसमें उसमेंडेट का नाम नहीं है ये पूरी तरह से काम कर रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये इसकेडेट पूरी तरह से काम कर रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय अगर आपका लॉगिन करते समय दिक्कत आ रहा है आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप हो सकता है कई बार नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है इस वजह से सर्वर डाउन हो जाता है घंटे दो घंटे तीन घंटे चार बाद आप चार घंटे बाद आप ट्राई कर लीजिए आपका अकाउंट वहां पर क्रिएट हो जाएगा और आप स्क्रेडिट एप्लीकेशन पूरी तरह से काम कर पाओगे अब बात यह आती है कई अगर आपने सारी चीजें ट्राई कर ली हैं आपने एक दिन का पूरा समय लिया फिर भी बार बार किया और फिर भी आपका स्क्रेडिट एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ऑल्टरनेट बताने वाला हूँ कि अगर आपका स्कैड काम नहीं करता उस सूरत में आप कैसे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल करेंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिना इसकेडिट का इस्तेमाल किए हुए कैसे हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं नहीं, रात को घर बारह बजे या हमें कल मॉर्निंग में बहुत जल्दी किसी को मैसेज करना है तो ज्यादातर अभी रिसेंटली जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें बच्चे अटेंडेंस के लिए इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो वो भी अगर आप करना चाहते हो अपने भरना चाहते हो तो आप कैसे के बिना ये सब कुछ करोगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और ले चलता हूँ उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे मैं सब कुछ आपको करके दिखा देता हूँ तो देखते हैं कि इस क्रेडिट एप्लीकेशन के बिना हमें क्या करना पड़ेगा कैसे हम अपने व्हाट्सअप मैसेज को करेंगे शेड्यूल शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले इस बार हम करेंगे प्ले स्टोर ओपन और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वसावी आपको इसको कर लेना है डाउनलोड ध्यान रखिए वसावी आप होम स्क्रीन पे जाकर डायरेक्टली आप सर्च बॉक्स पे टाइप करेंगे वसावी और आपको सर्च रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ इस मेरे में आ रहा है डाउनलोड कर पाएंगे अब यहाँ पर आप देखिए थ्री पॉइंट सिक्स की स्टार रेटिंग है और अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वसावी ऑटो रिप्लाई शेड्यूल इस पे हिट कर लीजिए एक बार और अच्छे से पढ़ पाएंगे शेड्यूल टास्क एंड नोट्स सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन आपको रहेंगी देनी तो वो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ आप समझते जाइए तो ओपन पे जैसे आप हिट करेंगे हिट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रीन पे पहुंचाएंगे तो यहाँ पर क्या है ये आपसे बोल रहा है कि कई बार की और शॉमी डिवाइस इंक्लूड्स बैटरी रिस्ट्रिक्शन सेटिंग्स दैट कैन चू क्लोज और आर ऐप एग्जिट वसावी एंड ओपन द ऐप डिटेल्स कुल cool, मिला के मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं तो यहां पर आपको ये वार्निंग जनरेट हो रही है कि हो सकता है कि आपके फोन के बैटरी में से इस एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो इसे अलाउ कर दीजिए तभी ये एप्लीकेशन काम करेगा तो यहाँ से ओपन बटन पे हिट करिए ओपन बटन पर हिट करके आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके बैटरी से इसको अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है तो बैटरी पे हिट करिए और यहाँ से इसको अलाउ कर दीजिए मैंने अलाउ करके रखा हुआ है आप इसको अलाउ कर लेंगे जब आप इतना कर लेंगे इसके तो बाद फिर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आप सेकंड थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे थर्ड स्टेप में आपसे पूछेगा कि आपके कांटेक्ट नंबर को यह एप्लीकेशन रीड करेगा इसको अलाउ कर देना है आपको कांटेक्ट नंबर को रीड अगर नहीं कर पाएगा तो मैसेजेस भेजेगा कैसे क्योंकि किसको मैसेज भेजना है वो तो कॉन्टैक्ट नंबर को रीड करके ही जाएगा ना तो लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देंगे अलाउ कर देंगे अलाउ करने के बाद आपसे बोल रहा है कि आप इसको एक्सेसिबिलिटी दे दीजिए एक्सेसिबिलिटी देने के लिए आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे वसावी आपको दिखाई दे रहा है इस पे हिट करके इसको आप कर देंगे अलाउ अलाउ करने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से काम करना स्टार्ट कर देगा इसको यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल भी, भी जरूरत नहीं है आप बिना रजिस्टर किए हुए भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने व्हाट्सअप मैसेज को कर सकते हैं शेड्यूल जैसे आप एक्सेसिबिलिटी दे, दे देंगे होम स्क्रीन कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा इसका होम इंटरफेस आप देखेंगे यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर कैसे हम इसको यूज करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिए इसको फॉलो करते हुए आप देख पाएंगे अब नीचे प्लस बटन दी गई है आपको प्लस बटन को हिट करना है आपको करना है कि आपको मैसेज क्यों करना है शेड्यूल तो शेड्यूल मैसेज पे क्लिक कर दीजिए जैसे शेड्यूल मैसेज पे क्लिक करेंगे आपको बता रहा है तरीका क्या रहेगा कैसे आप शेड्यूल करोगे नीचे वीडियो दिया हुआ है उसको फॉलो करिए आप ओके पे हिट कर दीजिए यहाँ से जिस भी बंदे को आपको मैसेज सेंड करना है उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए तो मैं यहाँ से जितेंद्र नाम से एक बंदे को सर्च करता हूँ और यहाँ से यहाँ पर आपको पूछेगा कि व्हाट्सएप पे आप उसको करेंगे शेड्यूल या बिजनेस व्हाट्सएप पे आप करेंगे शेड्यूल तो जो भी आपका इंस्टॉल हो व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो व्हाट्सएप सेलेक्ट करिए बिजनेस व्हाट्सएप से करेंगे तो बिजनेस व्हाट्सएप सेलेक्ट करिए अगर आप दोनों यूज करते हैं तो दोनों पे कर सकते हैं एक से ज्यादा लोगों को अगर आपको सेंड करना है कोई मैसेज एक ही टाइम पे तो आप यहाँ से और भी मल्टीपल कॉन्टेक्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे सर्च करके आप देख ली अब नंबर अगला काम क्या होगा अगर आपको कोई फाइल सेंड करनी है उस मैसेज के तौर पर तो अब यहाँ से ऐड फाइल पे इस पर हम बाद में बात करेंगे इससे पहले हम एक मैसेज क्रिएट करते हैं हाय और यहाँ पर हम अब ये ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैलेंडर बना हुआ है टाइमिंग बनी हुई है अभी टाइम ग्यारह बजकर चौदह मिनट है तकरीबन और मैं अभी आपको लाइव करके दिखाने के लिए थोड़ा समय इसी के आगे का करके दिखा देता हूं तो फिलहाल एक सितंबर आज की तारीख है और मैं यहां पर टाइम डाल रहा हूं ग्यारह बजकर अभी 14 मिनट है तो मैं 15 मिनट पे सेट कर देता हूं और देखता हूं क्या ये मैसेज अपने मन से जाएगा ये सोलह मिनट पे सेट कर देता हूं सोलह मिनट पे सेट करके मैं कर देता हूं ओके और यहां से फिर आपको इतना करने के बाद अब यहाँ पर जो ये सेंड बटन दिखाई दे रहा है नीचे इस पे आपको कर देना है क्लिक जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपका मैसेज शेड्यूल हो गया है अब यहाँ पर ट्रॉप में जो थ्री डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको शो भी करेगा तो आप एक बार क्लिक करके देख लीजिए शेड्यूल्ड में दिखाई दे रहा है आपका ग्यारह बज के सोलह मिनट पर आपका मैसेज शेड्यूल किया गया है जितेंद्र के लिए अब ये ग्यारह बज के सोलह मिनट पे ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा मैं इसको के सारे के सारे पासवर्ड्स जो भी है ऐप पासवर्ड उनको हटा दीजिएगा अदरवाइज ये अप्लीकेशन काम नहीं करेगा अप्लीकेशन को अगर आपको रात को किसी मैसेज शेड्यूल करना है तो रात को आप सारे के सारे पासवर्ड हटा दीजिए देखिए जो सोलह हुआ है ऑटोमेटिकली यह सारा प्रोसेस हमारा वसावी एप्लीकेशन कर रहा है करा जितेंद्र को हाई मैसेज भेजना है टाइमिंग चल रही है एक सेकेंड और यहाँ पर अब आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन किया जितेंद्र नाम के कॉन्टैक्ट को सर्च किया और यहाँ पर सेंड कर दिया अब यहाँ पे क्या हुआ मैसेज सेंड हो गया है जितेंद्र को हमारे द्वारा मैसेज यहाँ पे सेंड किया गया है ठीक ग्यारह बजकर सोलह मिनट पर ये किसने किया है ये वसावी एप्लीकेशन ने किया है तो शोर आपको समझ में आगे होंगी करता है कैसे करता है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल आती है अगर हमें कोई फाइल अटैच करनी है तो वो हम कैसे सेंड करेंगे देखिए अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है फाइल अटैच करके आप किसी को सेंड करना चाहते हो रात को बारह बजे तो प्रोसेस उसमें थोड़ी सी बदल जाएगी उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप कोई फाइल भेजना चाहते हो कोई photo, कोई फोटो वीडियो अगर आप रात को भेजना चाहते हो या शेड्यूल्ड टाइम पे भेजना चाहते हो उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसका प्रीमियम वर्जन यूज करना पड़ेगा प्रीमियम वर्जन यूज करने के लिए थोड़े बहुत पैसे आपको पे करने पड़ेंगे तो जैसे आप एड फाइल पे क्लिक करोगे एड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपसे बोल रहा है साइन अप करिए साइनअप पे क्लिक करने के लिए अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे पासवर्ड डालने के बाद आपसे प्लान्स बताएगा मंथली प्लान्स होंगे एनुअल प्लान्स होंगे आप उनमें से चूज कर लीजिए और जैसे आप उसको कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपका ऐड फाइल का भी ऑप्शन काम करेगा इसका मतलब ये है सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस को अगर आपको करना है व्हाट्सएप के शेड्यूल तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको फाइल्स भी अटैच करनी है तो उसके लिए फिर इसका जरूरत पड़ेगी तो आप यूज कर सकते हैं अगर आपका ये क्रेडिट काम कर रहा है तो उस क्रेडिट के लिए तो आपको प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती उस क्रेडिट का यूज करते हुए तो आप फोटोज वीडियोस कुछ भी सेंड कर सकते हो वसाउ में टेक्स्ट मैसेजेस आपके काम करेंगे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल सी है फिर भी अगर आपको कोई कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप उसे डाल दीजिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आए आज लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर